हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बो लेग्स के बारे में। ये आपका घुटना है। घुटना दो हड्डियों के मिलन से बनती है, जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी। जांघ की हड्डी ऊपर की तरफ कूल्हे में अटैच होती है और नीचे की तरफ जो पैर की हड्डी है वो एडी पे अटैच होती है। नाउ अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें कूल्हे के बीच में से एडी के बीच में तक, तो ये घुटने के बीचों बीच जाना चाहिए। अगर ये जो है ये अंदर की तरफ जाए, मतलब आपका घुटना ऐसा है, इसको हम बो लेग्स बोलते हैं। ज्यादातर ये कारण होता है कि ये नीचे वाली हड्डी, पैर की हड्डी टेढ़ी है। ना एक चीज आप करिएगा, बाहर वॉक के लिए जाइए और सबके घुटने ऑब्जर्व करिएगा। अगर आप इंडियन मूल के लोग हैं तो आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के घुटने बिल्कुल सीधे नहीं होते, थोड़े तिरछे होते हैं या बो लेग्ड होता है। नाउ ये एक लिमिट तक वास्तविक है, नॉर्मल है, तो कुछ पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉब्लमैटिक तब होता है जब ये जरूरत से ज्यादा हो। जरूरत से ज्यादा हो और आपका वेट ज्यादा हो तो ये दोनों चीजें हावी हो सकती है आपके ऊपर और घुटने में प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर घुटने ऐसे हैं तो सारा बदन का वजन अंदर की तरफ होता है। जब अंदर की तरफ हो तो चिकनाई वहीं पे घिसेगा एजिंग के वजह से। जब घिसेगा तो दर्द होगी, बाद में प्रॉब्लम होगी। तो अपना वेट संतुलित रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप कोई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत कम लोगों का घुटना बिल्कुल सीधा होता है, मैं समझता हूं 10%। ज्यादातर लोगों के बो लेग्ड होते हैं, इंडियन मूल के लोगों में या एशियन मूल के लोगों में, और नॉकनीज होता है जो उल्टा होता है इसका, जिसके बारे में अब अभी नहीं बात करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नीचे की हड्डी एक तो पैदाइशी टेढ़ी हो सकती है थोड़ी बहुत, या डेवलपमेंट में थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, जिसके वजह से जरूरत से ज्यादा बो लेग्स हो। पर कभी कभी ये इसके वजह से होता है कि विटामिन डी की मात्रा बदन में कम हो। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कैल्शियम को पचना, मतलब डाइजेस्ट करके बदन में ले जाना, और ये क्लासिकली होता है बच्चों में, क्योंकि इनकी हड्डियां ग्रो हो रही हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली पुल हो रहा है। अगर ये मजबूत ना हो, इनमें विटामिन डी की कमी हो, तो ये टेढ़ी बन सकती है बाद में। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सही टाइम पे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना, ट्रीटमेंट लेना। सप्लीमेंटेशन ट्रीटमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रीटमेंट है तब जब विटामिन डी कम है, सप्लीमेंटेशन ये होता है कि अपने डाइट में विटामिन डी की मात्रा सही होनी चाहिए, धूप में जाइएगा हर रोज, ये अच्छे आदतें जो है बच्चों में कल्टिवेट होनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से बो लेग्स के बारे में काफी जानकारी मिली है। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।